नमस्कार साथियों, मेरा नाम चंचल मलिक है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम वर्ल्ड प्रॉपर्टीज। हम आपके लिए अपडेट्स लेके आते हैं यमुना प्राधिकरण के सेक्टरों का, जिसमें रेगुलर हम अपनी वीडियो के माध्यम से हर तरह का डेवलपमेंट आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि काफी लंबे समय से किसान और प्राधिकरण के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा था, कल उसके लिए एक बड़ा फैसला हाई कोर्ट ने प्राधिकरण के पक्ष में सुनाया है और उस जो कल फैसला है उससे राहत मिलेगी अलोटिस को, जो कि काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि क्या उनके जो यहाँ पे प्लॉट्स हैं, 2009 की जो अलॉटमेंट में उन्होंने प्लॉट लिए थे, क्या वो उनको देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या वो प्लॉट कहीं शिफ्ट कर दिए जाएंगे किसी दूसरी पॉकेट या दूसरे सेक्टर के अंदर। तो कल उसके ऊपर एक बड़ा फैसला हाई कोर्ट ने प्राधिकरण के पक्ष में सुनाया है। पूरी चीज आपको विस्तार से समझाएंगे और सारी चीज आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या अभी भी कुछ ऐसे केस पेंडिंग है जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, तो वो भी आपको डिटेल्स में बताएंगे। देखिए, कल बड़ा फैसला हाई कोर्ट ने दिया प्राधिकरण के पक्ष में, जिसमें 2009 की अलॉटमेंट जिसके अंदर लगभग 21,000 प्लॉट थे और उसमें से काफी ऐसी पॉकेट थी जिसमें अभी भी पूरी जमीन जो है प्राधिकरण को नहीं मिल पाई थी। काफी लंबे समय से प्राधिकरण इंतजार कर रहा था कि कब तक ये जमीन उनको मिल पाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि 64.7 का अतिरिक्त जो मुआवजा है वो किसान को दे दिया जाए, जिससे कि जमीन प्राधिकरण को मिल जाए। मगर आपने देखा होगा कि काफी लंबा इंतजार करने के बाद भी उन अलॉटिस को प्लॉट नहीं मिल रहे थे जो कि चाहते थे कि हमारे प्लॉट्स कब लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो किसान है, किसानों को 2009 में लैंड एक्विजिशन के दायरे में रखा गया था और उनको एक मूल पर एक किस्त दी गई थी 2009 के अंदर। मगर यहाँ पे किसानों की मांग थी कि कुछ उन्हें अतिरिक्त मुआवजा और दिया जाए, तो वो अतिरिक्त जो मुआवजा था 64.7 का था। एक ये अलग पॉइंट था जो कि 64.7 का, जो कि किसान एक किस्त ले चुके थे, उनको 64.7 का अतिरिक्त मुआवजा चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो भी फैसला आया था उस निर्णय के ऊपर प्राधिकरण ने किसानों को वो उनका मूल मुआवजा जो 64.7 का था वो उनको दे दिया, जिससे कि कुछ जमीनें प्राधिकरण को मिल चुकी थी। जो दूसरा इसके अंदर पहलू चल रहा था वो पहलू ये था कि 2009 के अंदर ही जिन किसानों ने मुआवजा लिया था, तो उनमें से कुछ किसानों ने, 11 गांव के किसान थे जिन्होंने याचिका हाई कोर्ट के अंदर डाली कि हम अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं, हमारी जमीन वापस हमें मिल जाए और हम जो भी पैसा हमने लिया है वो अमाउंट हम प्राधिकरण भर दें। मगर यहाँ पे कल बड़ा फैसला हाई कोर्ट ने दिया, जिसमें कि किसानों की जो याचिका ये दर्ज हुई थी वो याचिका उन्होंने खारिज कर दी और प्राधिकरण के पक्ष में ये निर्णय गया कि जल्दी से जल्दी उनका जो अतिरिक्त मुआवजा है वो उनको दिया जाए और अलोटिस के जो प्लॉट है उनके ऊपर काम करा जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपके सेक्टर 18 और सेक्टर 20 के अंदर अगर आपके प्लॉट है, तो आपने देखा होगा कई पॉकेट्स ऐसी हैं जिनके अंदर अभी ग्राउंड पे कोई भी काम नहीं हुआ है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल दें तो आपको देखने को मिलता है एच पॉकेट देखने को मिलता है, 4A, 6C और भी कई ऐसी पॉकेट्स हैं, जैसे KL, कई सारी ऐसी पॉकेट्स हैं जिनके अंदर अभी भी केस जो है अभी पेंडिंग की तौर पे चल रहा है। और कुछ पॉकेट ऐसी थी जो कि याचिका दर्ज एक किस्त लेने के बाद करी गई थी, जिसके अंदर जैसे IJ के अंदर कुछ पैच ब्रेक हैं जहां रोड पूरी नहीं बन पा रही है। तो ये जो कल निर्णय आया ये उन केस के लिए आया है जिसके अंदर अब जो भी पैच ब्रेक थे या जो भी काम नहीं हो पा रहा था वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे काम हो पाए और प्राधिकरण को इसकी तरफ से जो निर्णय मिला है हाई कोर्ट की तरफ से, उस पर जल्दी आपको यहाँ पे काम चलता हुआ देखने को मिलेगा। और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जल्दी से जल्दी अलोटिस को भी उनके प्लॉट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो समय प्राधिकरण ने जो समय मांगा है वो लगभग 8 से 9 महीने का यहाँ पे समय मांगा है, जिसके अंदर जल्दी से जल्दी प्राधिकरण अपना पूरा डेवलपमेंट ग्राउंड पे कर लेगा, उसके अंदर रोड, सीवर, नाली और जो स्ट्रीट पोल्स। तो जो खेत अब उनको मिल चुका है, जो जमीन उनको मिल चुकी है, तो उसके ऊपर जिन अलोटिस के प्लॉट थे और वो उनको नहीं मिल रहे थे, वो भी उनके जल्दी ही प्लॉट्स उनको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 13 साल के लंबे इंतजार के बाद प्राधिकरण के पक्ष में आया है, जैसा आप पीछे देख रहे हैं। तो अब यही उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्दी यहाँ पे सारी चीजें ठीक होती हुई दिखेगी। अभी भी कुछ अलोटिस के कॉल हमारे पास आ रहे हैं कि क्या कुछ अभी भी ऐसे केस रह गए हैं क्या, जो कि अभी नहीं हुए हैं क्लियर या सारी चीज क्लियर हो चुकी है ग्राउंड पे। तो हम आपको अपने वीडियो के जरिए बताना चाहेंगे कि अभी भी जिसके अंदर थोड़ा और समय लगेगा, क्योंकि अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी यहां पे मुआवजा नहीं लिया है, तो वो किसान अभी भी हाई कोर्ट गए हुए हैं। किसानों का जो अभी भी निर्णय जो है वो अभी नहीं आया और एक केस डिफरेंट चल रहा है जो हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है। तो अभी भी कुछ चीजें अभी पेंडिंग है और जल्दी उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जल्दी उसके ऊपर भी हाई कोर्ट अपना फैसला देगा और एक बड़ी राहत मिलेगी अलोटिस को, जो कि यहाँ पे काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे।
तो देखिए अभी जिस जिस गांव की जमीन गई है वो आपको स्क्रीन पर देख रहा है कि जिसका फैसला कल हाई कोर्ट ने दिया है, तो किस तरह से ये जमीनें सारी हेक्टर्स के अंदर होने वाली है और कौन कौन से गांव के यहाँ पे नाम दिए हैं वो आपको बिल्कुल स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। तो देखिए इस तरह की जो ये जमीन है सारी जमीनें प्राधिकरण को मिल चुकी है और जल्दी यहाँ पे यही लगाया जा रहा है कि जल्दी ही प्राधिकरण सारे काम ग्राउंड पे जल्दी ही कर देगा और अलॉटिस को उनके जो प्लॉट है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके साथ एक और चीज है कि प्राधिकरण जल्द ही 16 जून को एक बड़ी मीटिंग और करने जा रहा है जिसमें और भी कई ऐसे फैसले हैं जो लिए जाएंगे, अलॉटिस के पक्ष में भी होंगे, किसानों के पक्ष में भी होंगे, क्योंकि प्राधिकरण चाहता है कि जो जो अभी डिस्प्यूट चल रहे हैं वो जल्दी से जल्दी खत्म हो, क्योंकि 2031 का जो मास्टर प्लान है उसका समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। तो इसके अंदर जो प्लानिंग रखी गई है वो मेडिकल डिवाइस पार्क की रखी गई है और जो आपका 2041 का नया मास्टर प्लान आएगा उसके लिए भी चर्चा होगी। तो कई सारी चर्चाएं अब 16 जून को होने वाली है प्राधिकरण की तरफ से, जैसा आप देख रहे हैं। तो ये मान लीजिए कि जल्द ही अच्छे फैसले प्राधिकरण की तरफ से आपको देखने को मिलेंगे और जो भी अलॉटीज यहाँ पे इंतजार कर रहे थे उनके प्लॉट्स उनको यहाँ पे जल्द ही मिल जाएंगे। तो अच्छा अवसर है उन बायर के लिए भी जो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे। तो आज की जो वीडियो है इसके ऊपर हमने आपको पूरी जानकारी ये दी है। तो आज की जो वीडियो है इसको आज हम करेंगे ही समाप्त, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो लेके। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। इसके अलावा कोई और भी जानकारी आप यमुना प्राधिकरण के सेक्टरों के बारे में लेना चाहते हैं, चाहे वो आपका रेजिडेंशियल हो या इंडस्ट्रियल, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। तो वीडियो को करेंगे समाप्त, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो लेके। नमस्कार साथियों।